हाय गाइस, मैं हूँ विशी विश एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, मैं आज एक और प्रोडक्ट लेके आया हूँ जो कि आपकी हेल्थ को इम्प्रूव करता है, और आइए देखते हैं इस वीडियो में क्या है वो चीज़। तो अमेज़ॉन ड्रॉप करेगा ड्रॉप कर, तो आप देख सकते हैं प्रोडक्ट मेरे पास ड्रॉप हो चुका है अमेज़ॉन से डायरेक्ट। तो जल्दी से इसको खोल लेते हैं कि क्या है इसमें। तो इसमें है अपना रेस्पिरोमीटर, और ये भी रेस्पिरोमीटर है बट दोनों डिफरेंट है। मैं आपको इस वीडियो में दोनों के बारे में बताऊंगा क्या डिफरेंस है और क्या इनकी एक्सरसाइज है। तो पहले हम खोल लेते हैं ये। तो ये रॉमसन का स्पायरोमीटर है हमारे पास, इसको भी मैं ओपन कर लेता हूँ। बहुत ज्यादा पैकिंग है। तो इसके साथ ये आता है, और इसमें पाइप है, ये ब्रीथ के लिए माउथ पीस दिया है इन्होंने, और काफी ही क्वालिटी अच्छी है इसकी, काफी सॉफ्ट भी है। तो आप देख सकते हैं इसमें क्या होता है। पहले हम दूसरा भी ओपन कर लेते हैं, फिर दोनों के बारे में बात करते हैं। नहीं, पहले हम इसके बारे में बात करते हैं। तो इसमें क्या है कि हमें ये सिंपल सी डिवाइस है लंग्स की एक्सरसाइज के लिए। इसमें क्या है कि आपको ये पाइप का ये जो है इसमें फिट कर देना है अच्छे से, ठीक है। और ये माउथ पीस है, इसको आपको मुँह के अंदर रखना होता है इस तरीके से पूरा, और इसको क्लोज करना होता है। तो इसमें क्या होता है कि हमें जो है एयर को ब्रीथ इन करना पड़ता है फोर्सफुली, ठीक है। जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें जो ये फर्स्ट ब्लू बॉयल है ये 600 सीसी की है, उसके बाद ये 900 सीसी की है, और उसके बाद 1200 सीसी। सीसी मतलब कि कितनी वॉल्यूम में आप एयर इनटेक कर पा रहे हो, ठीक है। तो इससे पता चलेगा कि जब ये बॉल पूरी ऊपर उठेगी तो इससे पता चलेगा कि आपकी लंग्स की कैपेसिटी कितनी इम्प्रूव हो रही है और कितनी है अभी एज इट एज ऑफ नाउ। तो ये मेरी जो है अभी 900 सीसी है, और इसमें 1200 सीसी में थोड़ा सा मूव कर रहा है। तो धीरे धीरे अगर मैं इसको प्रैक्टिस करता हूँ या आप भी प्रैक्टिस करते हैं, तो 10 टाइम्स आपको ये प्रैक्टिस करना है कि 10 टाइम्स अपने ब्रीथ लेना है और इसको होल्ड करके रखना है कि जब तक ये आप ऊपर इस बॉल को रख सके। देखिए फिर से, तो इस तरीके से बॉल ये काफ़ी देर तक ऊपर रहनी चाहिए। तो धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे तो ये बढ़ जाएगा। फिर सेकेंड एक्सरसाइज इसी में आती है जिसमें आपको ब्रीथ आउट करनी पड़ती है, एक्सहेल करनी पड़ती है। उसमें क्या होता है, सिंपल होता है कि आपको फोर्सफुली हवा जो है बाहर करनी होती है अपने मुंह से। तो देख सकते हैं इस तरीके से ये काम करता है। तो धीरे धीरे प्रैक्टिस, आपको इसको भी 10 टाइम्स करना है, और दिन में आप ये 3 बार कर सकते हैं। होता क्या है कि आपके लंग्स की अगर प्रॉब्लम है, अस्थमा है या कोई भी प्रॉब्लम है, तो धीरे धीरे इससे आपकी लंग्स की कैपेसिटी इम्प्रूव करेगी। और ये एक तरीके से मेजर्स है, आप जैसे प्राणायाम कर रहे हैं, योगा कर रहे हैं, बेस्ट है। और आपको अगर कोई ना कोई इक्विपमेंट चाहिए होता है मेज़र करने के लिए क्या इम्प्रूवमेंट है, तो इस तरीके से आप अपने आप को मेज़रमेंट कर सकते हैं अपना कि लंग्स की क्या इम्प्रूवमेंट है। तो ये हो गया हमारा स्पायरोमीटर। तो ये है दूसरा, ब्रीजर कहते हैं इसको, ये बेसिकली रॉमसन का है। तो
इस टाइम मैं थोड़ा रिमोट एरिया में हूँ, तो मेरे पास इस टाइम ज़्यादा इक्विपमेंट्स नहीं है, कैंची वगैरह या सीजर्स नहीं है जिससे मैं इसको कर सकूँ। ओके, सो आप देख सकते हैं ये है इंसेंटिव ब्रीजर, स्पायरोमीटर भी कहते हैं इसको सेम, और इसे रेस्पिरोमीटर भी कहते हैं, दोनों को ये सेम। आप देख सकते हैं इसकी जो वॉल्यूम है 5000 cc है। तो इसमें क्या होता है, इसमें भी सेम आपको माउथ पीस मिलता है और इसको यहाँ पे फिट करना होता है आपको इसमें सेंटर में, ठीक है। जब आप इसको फिट कर लेंगे अच्छे से तो आपको इसको होल्ड करना है इस तरीके से, होल्ड कर सकते हैं। और इसमें क्या होता है कि फोर्सफुली नहीं करना होता है, फोर्सफुली आपको ना इनटेक करना है एक्सहेल करना है, इसमें सिर्फ इनहेल करना है आपको, वो भी लॉन्ग डीप ब्रीथ के लिए। देखिए आप, तो इस तरीके से जहां तक ये ऊपर जा रहा है, आपके पास ये इसमें मार्किंग भी दिया हुआ है आपके लिए कि आपको, जैसे मेरा यहाँ 35000 cc तक गया था तो मैं वहां मार्क कर लूंगा आज की डेट में, जैसे जैसे मेरी इंप्रूवमेंट होगी तो मैं मार्किंग को ऑफ कर सकता हूँ। मैं आपको वापस करके दिखा रहा हूं। और इसमें एक और जोन है, ये देखिए आप, स्पाइली है और इसमें बैड है, मीडियम है और स्माइली है। तो आप जब इसको लंग्स के लिए खींच रहे हो तो आप देख सकते हैं कि ये भी उठता है, तो ये भी बताता है कि जोन आपका कहाँ जा रहा है। इस तरीके से तो आप कहेंगे कि दोनों की क्या जरूरत है, दोनों में फर्क क्या है? तो फर्क दोनों में सिंपल सा है, एक आपकी लंग्स की कैपेसिटी को, जो हम अगर आपने अगर कभी टेस्ट कराया लंग्स का, तो होता है पीक फ्लो मीटर, उससे चेक किया जाता है। तो जो आपका ये वाला स्पायरोमीटर है, रेस्पिरोमीटर है, ये उसको इम्प्रूवमेंट करता है एक्सहेल और इनहेल की पावर को, कि उसको लॉन्ग आप फोर्सफुली कितना अपना स्टेमिना बढ़ा सकते हैं। और ये जो है अपना स्पायरोमीटर है, इंसेंटिव स्पायरोमीटर, ये जो है हमारी लंग्स की ब्रीथिंग को इम्प्रूव करता है, लॉन्ग डीप ब्रीथ को। तो इसमें भी हमें पता चल गया कि हमें जब इनहेल लेना है तो इसमें हम और कुछ ऐड कर सकते हैं, बिल्कुल ऐड कर सकते हैं। जब हमने लॉन्ग डीप ब्रीथ लिया, उसके बाद आप इसको 5 सेकेंड, 10 सेकेंड, 20 सेकेंड एज पर योर कैपेसिटी आप इसको होल्ड करें, फिर धीरे धीरे आप सांस छोड़ें, ठीक है गाइस। इन दोनों का जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, अगर आप बाय करना चाहें तो कर सकते हैं आपकी लंग्स की इम्प्रूवमेंट के लिए और चेक करने के लिए बेसिकली। तो इस वीडियो में इतना ही, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। ओके गाइज, सो थैंक यू सो मच।